So good morning everyone. Hi, this is Dharinder Singh from K1 Justice Head Office Ludhiana. और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने जा रहा है क्योंकि आज हम एक डेमो देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की तरफ से एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, कीवा वाटर आयोनाइजर, जिसका आज हम यहाँ पे जो डेमो है वो देखने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल डेमो है और ये किसी को भी आसानी से आप बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी इसको आसानी से इंस्टॉल भी कर सकता है और इसको इस्तेमाल भी कर सकता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल हम ब्रीफ में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट का डेमो कैसे किया जाता है, कैसे आप किसी को बता सकते हैं, क्या क्या इसकी फंक्शनिंग है, इसके जो बटन्स हैं वो कौन से हैं, किस तरीके से काम करते हैं और हम किसी को भी कैसे आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने जा रहा है। डायरी पेन साथ में रखिएगा, कोई भी डिटेल आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डेमो कीवा वाटर आयोनाइजर के ऊपर। तो लीडर्स, आज हम सबसे पहले जो कीवा वाटर आयोनाइजर है इसका हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करके देखेंगे और बाद में हम इसका डेमो भी देखेंगे। तो इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, आप घर में कोई भी पर्सन इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कीवा वाटर आयोनाइजर का जो इंस्टॉलेशन है कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। सबसे पहले जो मशीन, जब आप इसको बॉक्स से बाहर निकालेंगे राइट, तो इस तरीके से जो प्लग है वो प्लग आपने यहां पे इस तरीके से इसको फिट कर देना है प्लग को, और इसको जब ऑन करेंगे तो यहां पे जो मशीन है अब ये ऑन हो चुकी है। अब आपको साथ में ये तीन जो पाइप्स हैं वो आपको साथ में दी जा रही हैं। ये जो तीन पाइप्स हैं, अब इनका काम क्या है वो भी हम यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में आपको यहां पे एक अटैचमेंट भी दिया जा रहा है। ये अटैचमेंट किस लिए है, क्योंकि इस तरीके से जो हमारा आरओ होता है, ये अटैचमेंट किस लिए है क्योंकि इस तरीके से हमारा जो आरओ होता है उसका जो टैप होता है, तो यहां पे आपने टैप में इस मशीन, इस अटैचमेंट को आपने यहां पे इस तरीके से फिक्स करना होता है ताकि ये जो पाइप है जिससे कि पानी हमें इस मशीन में चाहिए ये आप आसानी से इसमें फिट कर सके। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये तीन पाइप्स हमें दिखाई जा रही हैं, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है मशीन में, यहां पे लिखा हुआ है एसिडिक आउट, वाटर इन और आयनाइजर क्लीनिंग। तो यहां पे अब सबसे पहले ये जो पाइप है, तो सबसे पहले हमने एसिडिक आउट में, यानी कि जो पानी इस मशीन के अंदर जा रहा है उसका जो एसिडिक पानी है, जो एसिडिक वाटर है वो बाहर निकलेगा। तो आपने फर्स्ट पॉइंट में इस तरीके से जो पाइप है वो फिट कर देनी है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है पाइप को फिट करने का। और यहां पे ये जो आपको दिया गया है ये ऑन ऑफ का यहां पे दिया गया है ताकि आप इसको आसानी से ऑन ऑफ कर सकें। दूसरा जो यहां पे आ रहा है हमारे पास, ये जो पाइप है इस तरीके से राइट, ये जो पाइप है ये थोड़ा सा लंबा पाइप रहेगा ताकि इस पाइप को आप यहां पे, ये जो अटैचमेंट है आपका, जो आरओ वाला जो आपका सिस्टम है उसमें आप इसको आसानी से अटैच कर सके। इसको देखते हैं करके। सेकंड में आपने जो वाटर इन, यानी कि यहां से जो पानी है वो मशीन के अंदर जाएगा और जो पानी का यहां पे जो दूसरा सिरा है वो आपने यहां पे इसके अंदर अटैच कर लेना है। और यहां पे जो आपका आरओ है उसकी जो टैप है वो ऑन करेंगे तो इसके जरिए पानी जो है वो कीवा वाटर आयोनाइजर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है राइट। यहां पे इसका दूसरा आपका हो गया पाइप, और यहां पे जो थर्ड पाइप है वो हमारा आयोनाइजर क्लीनिंग का है। ये जो थर्ड पाइप है आयोनाइजर क्लीनिंग का है, इसका काम जब मशीन बंद हो जाती है तब शुरू होता है। ये अपने आप को ऑटोमेटिक क्लीनिंग मोड में ले आती है और अपने आप को ये आसानी से क्लीन करना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसीजर है यहाँ पे कीवा वाटर आयोनाइजर को इंस्टॉल करने के लिए। आसानी से इसको कोई भी पर्सन इंस्टॉल कर सकता है जैसे हमने अभी इसको करके देखा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको इंस्टॉल घर पे किया जा सकता है। आपको किसी मैकेनिक को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कीवा वाटर
लेवल का जो डेमो है वो हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो लीडर्स, अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको इंस्टॉल करने में, तो जो भी नॉर्मली आपके जो लोकल जो आरओ को इंस्टॉल करते हैं आप उनको भी बुला सकते हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए और वो डेफिनेटली इसको आसानी से इंस्टॉल कर देंगे। जैसे आपने इसकी कहीं पे फिटिंग करवानी है किचन में या बाहर कहीं पे भी, जब आप इसकी फिटिंग करवाना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे इसको फिटिंग के लिए जहाँ पे ये जो एरिया इसका दिया गया है, जो स्पेस बनाया गया है, तो वो अपने आप से आपकी वॉल में जो दीवार है उसमें वो ड्रिल करके आसानी से वहां पे इसको वो इंस्टॉल भी कर सकेंगे। तो आप उनको भी बुला सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मली शेल्फ के ऊपर भी रखना चाहते हैं, टेबल के ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप इसको नॉर्मली उस तरीके से रख भी सकते हैं। तो इंस्टॉल करना बिल्कुल ही सिंपल है, आप चाहें तो नॉर्मली किसी भी आरओ वाले को बुला के भी आप वहां पे इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है इसका। तो लीडर्स, अब हम देखेंगे कीवा वाटर आयनाइजर का जो डेमो है, बहुत ही शानदार डेमो है और इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए। तो लीडर्स, अब हम इस मशीन का जो डेमो है वो हम करके देख रहे हैं। तो मशीन जो है वो स्टार्ट है, हमने यहाँ पे प्लग ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो मशीन है वो स्टार्ट है। अब यहाँ पे 4 स्विचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑफ का स्विच है, आपको इसको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ ऑफ का स्विच है। यहाँ पे 7.5, 8.5 और 9.5 pH, जैसा पानी आप लेना चाहते हैं वैसा पानी का जो स्विच है वो आपने यहाँ पे ऑन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम 7.5 का pH का जो पानी है वो लेना चाहते हैं, तो आपको ये वाला बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है कि हमने ऑन या ऑफ करना है, मशीन ऑलरेडी ऑन है। आपने डायरेक्टली ये 7.5 pH का जो है बटन इसको प्रेस कर देना है। 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि जो आरओ से पानी है वो यहाँ पे इस मशीन के अंदर रोटेट होके एल्कलाइन बनेगा, और यहाँ से जो एल्कलाइन वाटर है वो इस बीकर में आपको दिखाई देगा कि जो पानी है वो अब इस बीकर में आना शुरू हो जाएगा, और जो एसिडिक वेस्ट है इस पाइप के जरिए जो एसिडिक वेस्ट जो पानी है वो आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पानी है, अब हमें इसमें जो पानी मिल रहा है वो 7.5 pH का जो पानी है वो हमें मिल रहा है। अब इसका हम यहाँ पे डेमो भी करके देखेंगे। ये जो फर्स्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं सैंपल जो ले रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पे 7.5 pH का। तो इसको आपने 10 से 15 सेकंड का समय देना होता है ताकि प्रॉपर तरीके से 7.5 pH का जो पानी है वो हमें मिल जाए। अब हम जो पहला इसमें सैंपल ले रहे हैं वो हमने लिया है यहाँ पे 7.5 pH का, और यहाँ पे हमने फर्स्ट पे हमने रखा है 7.5 pH। अब हमें 8.5 pH का जो पानी है वो चाहिए, तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे 8.5 pH का जो बटन है इसको यहाँ पे प्रेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब हमें जो इसमें पानी मिलेगा इसमें वही आपने 10 से 15 सेकंड का वेट करना है। 10-15 सेकंड वेट करने के बाद ताकि जो पानी है वो अच्छे तरीके से 7.5 का जो पानी है वो निकल जाएगा और 8.5 pH का जो पानी है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और अब हम जो दूसरा सैंपल लेंगे वो हम लेंगे 8.5 pH का। तो यहाँ से सिर्फ 10 से 15 सेकंड का हमने यहाँ पे वेट करना होता है, और जो नेक्स्ट सैंपल हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 8.5 pH। तो अब हम ये जो नेक्स्ट सैंपल ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं यहाँ पे 8.5 pH का, और ये हम इसको यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। अब जो तीसरा पानी है, जो तीसरा बटन है वो यहाँ पे कौन सा है, 9.5 pH। यानी कि अब हम जो तीसरा सैंपल लेंगे वो हम 9.5 pH का लेंगे, तो आपने डायरेक्टली इस बटन को प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपने इस बटन को प्रेस किया और यहाँ पे अब 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा, और यहाँ पे जो पानी आना शुरू हो जाएगा वो 9.5 pH का जो पानी है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। अब पहले हम इस बीकर को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो फ्रेंड, अब इसमें जो पानी आ रहा है
का जो हम सैंपल ले रहे हैं वो हम 9.5 पीएच का जो सैंपल है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये हमने तीन सैंपल ले लिए हैं। अब ये जो फोर्थ सैंपल है जो एसिडिक वेस्ट वाटर यहाँ से निकल रहा है, राइट, तो इसका हम सैंपल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये एसिडिक वेस्ट जो वाटर है वो यहाँ पे निकल रहा है, तो हमने यहाँ पे इसका सैंपल लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे चार सैंपल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इनका जो डेमो है वो हम यहाँ पे परफॉर्म करके देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास पीएच इंडिकेटर, ये जो है हमारे पास ये पीएच इंडिकेटर है, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा पीएच इंडिकेटर, ताकि कौन से पीएच का जो पानी है वो हम आसानी से जान सकें। तो लीडर्स इस तरीके से ये जो चार सैंपल्स हैं वो हम ले चुके हैं, 7.5 पीएच, 8.5 पीएच, 9.5 पीएच और जो हमारा एसिडिक वेस्ट वाटर है वो हम ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक और सैंपल लेंगे, ये हम ओआरपी के लिए लेंगे सैंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये जो वाटर ले रहे हैं वो ओआरपी के लिए ले रहे हैं, इसका भी डेमो हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो जो फोर्थ सैंपल लिया है हमने वो यहाँ पे हमने ओआरपी के लिए लिया है। तो ये अब हमारे पास टोटल पांच सैंपल्स यहाँ पे हो चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो दो इंडिकेटर्स हैं, एक है पीएच इंडिकेटर और एक है हमारे पास ओआरपी इंडिकेटर, राइट। तो ओआरपी इंडिकेटर हम यहाँ पे इसके ऊपर डेमो करेंगे और देखेंगे वो क्या होता है। और यहाँ पे हमारे पास है पीएच इंडिकेटर, तो इनके हम 3 to 4 ड्रॉप्स हर एक सैंपल के अंदर डालेंगे और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट हमारा है 7.5 पीएच, तो इसमें जब हमने ये डाला 7.5 पीएच, राइट, तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो कलर चेंजेस हैं वो हमें यहाँ पे होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये 7.5 पीएच है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 8.5 पीएच, यहाँ पे हमारे पास जो कलर है वो हमें और डार्क मिलना शुरू हो चुका है, ये आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। और 9.5 पीएच, आप इसको स्टर कर सकते हैं किसी भी हिसाब से। तो ये देखिए ये तीन सैंपल्स हमें यहां पे दिखाई दे रहे हैं, 7.5 पीएच, 8.5 पीएच और 9.5 पीएच। अब ये जो फोर्थ है ये एसिडिक वेस्ट वाटर है जो हमें इस पाइप से जो पानी है वो बाहर निकल रहा है, यानी कि एसिडिक वाटर है। तो एसिडिक वाटर पे जब हम यहाँ पे पीएच इंडिकेटर डालेंगे, तो 4 ड्रॉप्स हमने इसमें डाली हैं और देखेंगे कि जो कलर जो है वो किस हिसाब से आपको यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से ये जो पीएच इंडिकेटर है वो इस तरीके से काम करता है। पीएच वैल्यू के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि जो पानी है जो उसका वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कि यानी कि जो पीएच वैल्यू है किस हिसाब से इंडिकेट कर रही है और जो एसिडिक वाटर है वो किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है। अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा जो ओआरपी इंडिकेटर है, अब ये हमने 9.5 पीएच का पानी लिया हुआ है। अब यहाँ पे ओआरपी इंडिकेटर में क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे ओआरपी पॉजिटिव में रहेगा तो वो पानी जो है वो कलरलेस रहेगा, यानी कि कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका पानी अल्कलाइन है यानी कि ओआरपी आपका नेगेटिव है अगर, तो पिंक जो वहां पे जो कलर है वो आपको वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, ये विजिबल हो जाएगा, पिंक कलर आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको चेक करके देखते हैं, 4 ड्रॉप्स हम इसमें यहां पे डालेंगे, 1, 2, 3, बल्कि 3 ड्रॉप्स में ही ये यहां पे हमें जो कलर चेंजेस हैं वो हमें यहां पे दिखाई दे रहे हैं।
हमने जस्ट अभी 3 ड्रॉप डाले हैं और ये 9.5 pH है और यहाँ पे ये शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा ORP है वो यहाँ पे नेगेटिव में हमें शो कर रहा है। ORP अगर हम 7.5 लेंगे तो लगभग -150 के अराउंड रहेगा, 8.5 में अप्रोक्सीमेटली -250 के अराउंड रहेगा और 9.5 में अप्रोक्सीमेटली -350 के अराउंड रहेगा। और ये हमने जस्ट एक चेक किया है कि 9.5 में अगर हमारा पानी अल्कलाइन है तो ORP अगर नेगेटिव में रहेगा तो पानी यहाँ पे आपको पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज अगर पॉजिटिव में रहेगा तो पानी का कलर वहां पे चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसीजर है कि कैसे हम यहाँ पे कीवा वाटर आयनाइजर का जो डेमो है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सैंपल सभी यहाँ पे ले चुके हैं, अब जब हम इस मशीन को यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे जब हम मशीन को ऑफ करेंगे यानी कि बंद करेंगे, तो जैसे ही हम मशीन को बंद करेंगे तो यहाँ पे ये जो पाइप है राइट, तो यहाँ पे क्या है कि ये अपने आप आयनाइजर जो है अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को यहाँ पे क्लीन करना शुरू कर देगा। ये आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको राइट, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को यहाँ पे क्लीन करना शुरू कर देगा। तो इसमें आपको कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो क्लीनिंग है ये मशीन अपने आप यहाँ पे खुद कर लेती है। तो लीडर्स अब ये जो मशीन है इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे कि अब हमने देखा यहाँ पे करके। तो ये जो पाइप यहाँ पे जो आ रहा है जहाँ हम आरओ से पानी ले रहे हैं, तो इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पानी हमने लेना है, जो पानी इसके अंदर जाएगा आरओ से, उसका जो टीडीएस है वो 150 से नीचे नीचे होना चाहिए। वो आप आरओ वाले से बोल के उसको सेट कर सकते हैं, अगर 100 से नीचे होगा तो और भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, मशीन की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, 20 साल 22 साल 25 साल तक ये मशीन कहीं पे भी नहीं जाने वाली है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस मशीन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपको 1 साल का वारंटी मिल रहा है, और जो इसकी प्लेट्स हैं, इसमें जो हम प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्लेटिनम कोटी टाइटेनियम प्लेट्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, 7 प्लेट्स हैं और इन 7 प्लेट्स के ऊपर आपको 5 साल का वारंटी पीरियड आपको यहां पे मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और 1 मिनट में ये जो मशीन है 1 से 2 लीटर जो अल्कलाइन वाटर है वो आपको यहां पे निकाल के दे देती है। आउटपुट बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है और इस मशीन को आप किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये डेमो कैसा लगा प्लीज एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेफिनेटली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर हम सभी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अपने आस पड़ोस को अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीवा वाटर आयनाइजर आपके बहुत काम आ सकता है और इसको सभी को इस्तेमाल भी करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी इसको आसानी से समझ सके और इसको वहां पे डेमो भी करके देखे, और आप किसी को भी डेमो करके दिखा भी सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है, अगर प्रोडक्ट का कोई पार्ट खराब हो रहा है या अगर आपको पार्ट खराब हो चुका है आप उसकी रिपेयर करवाना चाहते हैं या ऐसा कोई भी चीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे हमारी CSC जो टीम के नंबर हैं उनको यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ कंपनी की तरफ से आपके घर पे रिपेयर करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे रिपेयर का प्रॉब्लम हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो, तो आपने सिर्फ यहाँ पे कंपनी में कॉल करना है, कंपनी की तरफ से जो इंजीनियर है जो रिपेयर करने वाले जो मैकेनिक्स हैं वो आपके घर आके रिपेयर करके जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और डेफिनेटली इसके साथ काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।